हेलो दोस्तों, आज हम फिर नई वीडियो लेकर आए हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर नए से नए वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम बताएंगे TVS राइडर, TVS अपाची या कोई सी बाइक में कौन सा तेल डलवाना चाहिए और कौन सा बेस्ट होता है। देखो, मेरे अंदाजे से कम 11-12 साल हो गए काम करते करते, और जो TVS राइडर है नॉर्मल चलती है 20-30 किलोमीटर, तो आप ये डलवा सकते हैं कैस्ट्रोल एक्टिव VHW 40 लीटर का। ये नॉर्मल बाइक है, जो नॉर्मल बाइकों में ज़्यादातर डलता है, जैसे कि पलेटिना, C200 है, अपाची है, जो नॉर्मल चलाते हैं वो ये डलवा लें। बेस्ट इंजन ऑयल है और बढ़िया निकलता है, ये कम नहीं होता तेल इंजन में। अगर ज़्यादा चलाते हैं TVS राइडर है, जैसे कि आप ऑनलाइन चलाते हो, रैपिडो में, अमेजोन में, कोई भी काम में ऑनलाइन चलाते हो, ज़्यादा चलती हो, तो आप ये डलवा सकते हैं कैस्ट्रोल पावर 1 VHW 50। ये इस इंजन ऑयल से, ये इंजन ऑयल गाढ़ा रहता है, इसका इंजन ऑयल गाढ़ा होता है, मोटा और चिपक के चलता है पुर्जों पे। ये भी पुर्जों पे चिपक के चलता है, लेकिन ये थोड़ा पतला रहता है और ये रहता है गाढ़ा तेल, ताकि जल्दी से पतला ना हो। जैसे गर्म होने के बाद में ये पतला हो जाता है, ये थोड़ा गाढ़ा रहता है, तो ये बेस्ट है ज़्यादा चलाते हो तो। अब जो बाइक में 1200 में डलता अपाची 4B है, या पल्सर है, या आई स्मार्ट है, आई स्मार्ट में भी 1200 में डलता है, तो उसमें आप ये डलवा सकते हैं मोटोल 4100 गोल्ड VHW 50। ये मुझे सबसे बेस्ट इंजन ऑयल लगा। इसमें 900 ml भी आता है, 800 ml भी आता है, और 1 लीटर भी आता है नॉर्मल बाइक के ताई, जैसे कि पलेटिना में डाल सकते हो, अपाची में, पल्सर में, FZ कोई सी हो, और स्पोर्ट वगैरह में जो नॉर्मल चलाते हैं, देखो स्प्लेंडर, HF डिलक्स, जो नॉर्मल चलाते हैं उसमें ये 900 ml का डलवा लें 100 cc बाइक में। और जो 100 cc से ऊपर है, 125 है, या 135 है, 160 है, कोई सी भी हो, उसमें लीटर का डलता है 125 में, 35 में, जो भी है, और ये लीटर का डलता है। और ये है हमारे पास कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट 10W40। ये है सेंट 30 ऑयल, इसमें बहुत ही ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इसकी ताकत बहुत शानदार रहती है। अगर आप ज़्यादा लंबे पे जाते हो, जैसे कि 300 किलोमीटर जाना है, हफ्ते में